नमस्कार जी, सबको मेरा धोक प्रणाम। आज मैं आपको कार्तिक करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। सभी शादीशुदा महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो अब सुनो आप कहानी। एक साहूकार के सात बेटे थे, तो सातों भाई अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। तो एक बार कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तो भाई बोले, आजा बहन, हम खाना खाते हैं। तो बहन बोली कि नहीं भैया, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद निकलेगा रात को, जब चांद देख कर ही खाना खाऊंगी। तो भाई सोचने लगे कि आज तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने तो दीपक ले लिया और एक ने चलनी ले ली, किसी ने आग मतलब माचिस वगैरह ले ली और पर्वत के पीछे चले गए। पहाड़ के पास में जाके आग लगा दी और आग के बहन को बोलने लग गए कि बहन आजा, चांद निकल आया, देख ले और फिर खाना खा ले। तो बहन सोची कि चांद निकल आया, तो जा अपनी भाभियों को बोली कि आ जाओ भाभी, चांद निकल आया, चांद देखते हैं। तो भाभियाँ बोली कि नहीं दीदी, बहन जी, नहीं भाई जी, ये तो आपका चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तो वो सोची कि भाई सही बोल रहे हैं। तो जाके बहन ने चांद देख लिया और खाना खाने बैठ गई भाइयों के साथ। जैसे ही वो खाना खाने लगी तो पहले घास में तो बाल आ गया, दूसरे में छींक आ गई और तीसरा घास लेने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया, ससुराल वाले लेने आ गए। तो फिर वो अपनी माँ की पेटी में से कपड़े निकाल के पहनने लगी, तो जो भी जिस भी कपड़े के हाथ लगाए वही सफ़ेद हाथ में आए। तो उसकी माँ ने सोचा कि जो तेरे भाग्य में होगा वैसा ही होगा, तो जो तेरे हाथ में आ रहा है वही तू तो पहन के चली जा। तो उसने सफ़ेद कपड़े ही पहन लिए और माँ ने 1 सोने का रुपया दे दिया कि जो भी तेरे को पूरा आशीर्वाद दे अच्छा, तो उसको ये रुपया दे देना और अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। तो वह ससुराल में गई तो ससुराल में रोना कर्राना लग रहा था और उसका पति खत्म हो चुका था। तो पलने में एक छोटी सी ननद बैठी हुई थी, झूल रही थी। तो उसने जाते ही उसके धोख दिया, पाँव छुए तो ननद ने बोला कि सीली हो, सपूती हो, सात भूत की माँ हो, तेरा सुहाग अमर हो। तो उसने वो रुपया उस ननद को दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। तो फिर वो ससुराल वाले मुर्दे को ले जाने लग गए उसके पति को। तो वो रोने लग गई, बोले नहीं, मैं तो मेरे पति को जलाने नहीं दूंगी और मैं तो मेरे पति की सेवा करूंगी, मैं भी जंगल में इनके साथ जाऊंगी। तो वह बैठ गई जंगल में जाकर और अपने पति की सेवा करने लगी। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और फिर माही चौथ आई। तो माही चौथ गाजती बरसती और ऐसे बोलती हुई आई, सात भाइयों की बहन, लाडली, करवा ले करवा ले, दिन में चांद उगावणी, पापण करवा ले। तो वह चौथ माता के पैर पड़ गई और बोलने लगी कि हे माँ चौथ माता, वो मेरे भाई नहीं थे, कोई पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको मुझे सुहाग देना पड़ेगा। बोले नहीं, मेरे से भी बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, माही के बाद में बैसाखी चौथ आती है। तो बोले बैसाखी चौथ आएगी मेरे से बड़ी, तो उनके पैर पड़ना। फिर वो बैठ गई और चौथ माता चली गई। फिर ऐसे करते करते बैसाखी चौथ आई। तो बैसाखी चौथ आई तो वो बोलती गई कि हे दिन में चांद उगावनी, पापण हत्यारण, सात भाइयों की बहन लाडली, मेरे पैर छोड़, मेरे पैर मत पकड़। तो वह चौथ माता के पैर पड़ गई कि हे चौथ माता, मुझे आपको सुहाग देना पड़ेगा। कि नहीं, बैसाखी चौथ बोली कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, कि मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तो उसके पैर पकड़ना, वो तेरे को सुहाग देगी। फिर वह बैठ गई रोके चुपचाप। फिर ऐसे करते करते भादवे की चौथ आई। भादवे की चौथ आई, बोली है करवा ले सात भाइयों की बहन लाडली, दिन में चांद उगावनी, पापण करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तो फिर वह चौथ माँ भादवे की चौथ माता के पैर पड़ गई और सुहाग मांगने लगी कि हे चौथ माता, आप मुझे सुहाग दो, वो मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे कोई पिछले जन्म के दुश्मन थे, तो मेरे को मेरा व्रत तुड़वाया उन्होंने, तो आपको मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो फिर भादवे की चौथ माता बोली कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, वो सबसे बड़ी है, तो करवा चौथ के तू पैर पकड़ लेना और उनके पैर कभी मत छोड़ना, अगर उनको छोड़ दिए तो तेरे पास कोई चांस नहीं है। फिर वो बैठ गई चुपचाप। फिर ऐसे करते करते 12 महीने हो गए और फिर करवा चौथ आई। बोलती कि सात भाइयों की बहन लाडली, दिन में चांद उगावनी, पापण करवा ले, बहुत भूखी करवा ले।
और सब जंगल में वहाँ पे बैठी रही और चौथ माता के पैर पड़ गई, पकड़ ली कि हे चौथ माता, आपको मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। वो कोई मेरे भाई नहीं थे जिन्होंने मेरा व्रत तुड़वाया, वो मेरे कोई पिछले जन्म के दुश्मन थे, बैरी थे, तब उन्होंने मेरा व्रत तुड़वाया। बोले तेरे को इतना ज्ञान किसने दिया जंगल में? कि हे चौथ माता, मेरे को तो आपने ही ज्ञान दिया है। तो बोले मैं तेरे को सुहाग तो दे दूंगी, लेकिन तो सुहाग की जो सामान चाहिए वो कहाँ से लाएगी? कि हे चौथ माता, आप तो बोलो, मेरे पास सब कुछ है। तो वह पहले दिन से ही सुहाग के सामान इकट्ठे करके रख रखी थी जंगल में। तो चौथ माता ने बोला कि रोली मोली चावल मांग सिंदूर मेहंदी ये सारा लेकर आ। तो उन्होंने चौथ माता को खट से दे दिया और चौथ माता ने इन सारे सामानों को एक जगह करके और घोल के छिट्टा लगाया उसके पति के, और पति अकड़ के बैठ के खड़े हो गए और दोनों चौपड़ पासे खेलने लग गए। तो ऐसे करते ही चौथ माता वहाँ से उनकी झोपड़ी के लात मार के अंतर्ध्यान हो गई और उनके सोने चांदी के महल माले बन गए। और जैसे ही सुबह उनकी ननद खाना देने के लिए आई, वो रोज़ उनको खाना देने के लिए आती थी, तो रोज़ तो देखती थी तो झोंपड़ी दिखाई देती थी, और आज आकर देखी ननद तो उनको सोने के महल माले दिखाई दिए। तो वो सोची कि ये कैसे हो गया और मेरे भैया भाभी कहाँ है? तो भाभी ऊपर से आवाज़ लगाई कि ननद जी ऊपर आ जाओ, मैं तो यहाँ हूँ। तो बोले भाभी ये सब कैसे हुआ? बोले रात को चौथ माता आई थी दीदी, और चौथ माता ने मेरे को सुहाग दिया है, और ये सारा चौथ माता का ही चमत्कार है। तो आप जाओ और माता जी को बोलो कि मेरे को गाजे बाजे से लेने के लिए आए, आपके भैया को और मेरे को। तो ननद जाकर वहाँ पे अपनी माँ को बोली कि माँ, चौथ अपने भैया जिंदा हो गए हैं और चौथ माता ने चमत्कार किया है। तो भाभी ने बोला है कि हम भैया और भाभी को गाजे बाजे से लेने के लिए जाएं। तो साहूकारनी मतलब उसकी सास उनको लेने के लिए आई गाजे बाजे से पूरी नगरी के साथ में, और गाजे बाजे से ले के जा रही, और सास तो बहू के पैर पड़ रही और बहू सास के पैर पड़ रही कि सासू जी ये सब आपकी कृपा से हुआ है। और सासू कह रहे कि नहीं बहू, ये सब तेरी कृपा से ही हुआ है। तो ऐसे गाजे बाजे से घर ले गए और सारी नगरी में हेला फिरवा दिया, सबको आवाज़ लगा दी कि बेटे की माँ पति की पत्नी सब 12 महीने की 13 चौथ करे, 13 नहीं तो 4 करे, और 4 नहीं तो 2 तो हर कोई ही करे। हे चौथ माता, जैसे उस सेठ साहूकार की बहू को सुहाग दिया, वैसे सबको दे, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। बोलो चौथ माता की जय।